गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अंडर द यूनिट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आर प्रीवियस पीपीटीज अबाउट द ड्रग, द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वेरियस 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स, प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग. नाउ कंटिन्यूइंग दैट पार्ट वी आर स्टडिंग, टूडे वी विल स्टडी अबाउट systems of drug measurement. Different systems available are: first one is metric system, second one is household system, third apothecary system, and fourth one is solution. By using this system, it will be helpful for calculating the dose of the medication. Kis dose mein पेशेंट के लिए जो डोज प्रिपेयर करना है वो कैसे हमें पता चल जाएगा, हमें पेशेंट को कितने ml जो है ड्रग देनी है या कितनी टैबलेट्स में ड्रग देनी है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सिस्टम्स की नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ड्रग को हम मेजर कैसे करें. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ आर फर्स्ट सिस्टम, दैट इज मेट्रिक सिस्टम. एंड दिस सिस्टम इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर द ड्रग कैलकुलेशन. इन दिस सिस्टम मेट्रिक यूनिट्स आर यूज्ड, एग्जांपल मिलीग्राम, ग्राम, मिलीलीटर, लीटर, एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट वन इज हाउसहोल्ड सिस्टम. Household system measures include drops, teaspoons, tablespoons or cups for measuring medications. Their disadvantage is their inaccuracy. Household utensils such as teaspoon and cups vary in size. So students, in metric system we are using that ml, milligram, gram, milliliter, etc. And in household system we are using that cup, glasses, teaspoons, tablespoons. तो जो household system है इसमें accuracy के chances थोड़े कम हो जाते हैं, because ये जो utensils हम use करते हैं measure करने के लिए ये accurate उसी size के हों या नहीं हों ये ज़रूरी नहीं है. ओके, तो फर्स्ट इज मैट्रिक एंड सेकेंड वन इज हाउस होल्ड सिस्टम. नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, मैट्रिक सिस्टम में हम क्या यूज़ में लेते हैं और हाउस होल्ड सिस्टम में हम क्या बोल सकते हैं. मैट्रिक में जैसे बोलते हैं हम 1 ml, सो 1 ml इज इक्वल्स टू 15 ड्रॉप्स. 5 ml, 5 ml इज इक्वल्स टू 1 teaspoon. And 15 ml is equals to 1 tablespoon. Okay, so metric system is 1 ml, 5 ml, 15 ml. In household system is 15 drops, 1 teaspoon, 1 tablespoon. Next system, next is third system, apothecary system. It is older system and this is not that much widely used nowadays. It is older system. The basic unit of weight in the apothecary system is the grain, जिसको short में GR लिखते हैं, and the basic unit of volume is the minim. The other unit of weight are the dram, the ounce and the pound. The units of volume are the fluid dram, the fluid ounce, the pint, the quart and the gallon. आगे हम देखेंगे 1 pint इज इक्वल्स टू 1 ounce इज इक्वल्स टू क्या होता है. तो ये सारी यूनिट्स हैं जो कि इस सिस्टम में यूज़ में ली जाती है, ड्रैम्स, आउंस, पाउंड्स, क्वार्ट, गैलन. ओके, सो लेट्स हैव अ एग्जांपल. हम कंपेयर करते हैं मैट्रिक सिस्टम और एपोथेकरी सिस्टम. फर्स्ट 1 mg, 1 mg इज इक्वल्स टू 1/60 grain. 60 mg is equals to 1 grain. 1 gram is equals to 15 grains. 4 gram is equals to 1 dram. 30 gram is equals to 1 ounce. 500 gram is equals to 1.1 pound, and pound की unit होती है lb.
1 ml is equals to 15 to 16 minims. 5 ml is equals to 1 fluid dram. 30 ml is equals to 1 fluid ounce. 500 ml is equals to 1 pint. 1 liter is equals to 1 quart. 4 liter is equals to 1 gallon. ओके सो हमने देखा कि मेट्रिक सिस्टम में हम क्या क्या यूनिट्स यूज़ में लेते हैं और एपोथेकरी सिस्टम में हम कौन से यूनिट्स को यूज़ में लेते हैं. तो कैलकुलेशन के लिए ये आपको लर्न होनी चाहिए. ओके नेक्स्ट वन इज़ सॉल्यूशंस. व्हाट इज़ सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज़ अ गिवन मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ नोन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड or a given volume of fluid dissolved in a known volume of another fluid. Okay, solution is a mixture of solute and solvent. Solute is the part that is dissolved in the solvent. For example, a 10% solution is 10 grams of solid dissolved in 100 ml of the solution. Okay. सो ये एक एग्जांपल के थ्रू हमने बताया कि सॉल्यूशन का अगर लिखा हुआ है 10% सॉल्यूशन तो उसका मतलब होगा कि उसमें 10 ग्राम्स तो सॉलिड डिसॉल्व हैं किसमें 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में. ओके सो हमने डिस्कस किया अभी सिस्टम्स के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे कन्वर्टिंग मेजरमेंट यूनिट्स. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. कन्वर्जन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अदरवाइज़ जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ड्रग कैलकुलेशन वी कांट सॉल्व दैट न्यूमेरिकल्स विदाउट नोइंग हाउ टू कन्वर्ट इनटू विद इन वन सिस्टम बिटवीन सिस्टम्स. ओके तो कन्वर्टिंग कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. कन्वर्जन विद इन वन सिस्टम, कन्वर्जन बिटवीन सिस्टम्स एंड डोजेस कैलकुलेशन. ओके so let's start with first that it conversion within one system. metric का metric में conversion, apothecary का apothecary में. तो household का जैसे वो जो drops वगैरह थी tablespoon teaspoon उसी में. तो within one system उसी system में जैसे metric को लिया है तो metric में ही solve करेंगे. to convert measurements within one system simply divide or multiply. ओके अगर हमें कन्वर्ट करना है किसी भी यूनिट को तो हमें डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन को यूज़ में लेना होगा. हम इसे एक एग्जांपल से देखते हैं. से फॉर एग्जांपल टू चेंज मिलीग्राम्स टू ग्राम्स डिवाइड बाय 1000 मूविंग द डेसिमल 3 पॉइंट्स टू द लेफ्ट. आई होप आपको ये कन्वर्जन्स आते होंगे. अगर लिखा हुआ है 1000 mg तो वो है इज इक्वल्स टू 1 gram. ओके एंड इफ इट्स रिटर्न 350 mg मिलीग्राम सो इट्स इक्वल टू हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से और हमारे पास आएगा 0.35 ग्राम. तो ये है कन्वर्जन के मेथड्स. नेक्स्ट कन्वर्जन बिटवीन सिस्टम्स. दो सिस्टम्स के बीच में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? टू कन्वर्ट मेजरमेंट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम द नर्स शुड बी फैमिलियर विद द इक्विवेलेंट वैल्यूज ऑफ ऑल द सिस्टम्स. ओके उसी के इक्वल हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि मैट्रिक में जैसे 1 ml है तो हम मिनिम्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 14 to 15 ड्रॉप्स 15 ड्रॉप्स ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है इसे हम एक एग्जांपल एक टेबुलर फॉर्म में जो है ये आपको लर्न होना चाहिए. मैट्रिक में एपोथेरिकेज में एंड हाउसहोल्ड में क्या बोलते हैं. जैसे 1 ml इज इक्वल्स टू 15 मिनिम्स एंड 15 ड्रॉप्स. 4 to 5 ml इज इक्वल्स टू 1 fluid dram और 1 teaspoon. 15 ml is equals to 4 fluid drams or is equals to 1 tablespoon. 30 ml is equals to 1 fluid ounce. 500 ml is equals to 1 pint. 1000 ml is equals to 1 quart and 4000 ml is equals to 1 gallon.
ओके सो ये टेबुलर फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है मेजरमेंट्स के, ये आपको लर्न होने चाहिए. नेक्स्ट हमारा थर्ड था, फर्स्ट हमने देखा था कन्वर्जन में, कन्वर्जन विद इन वंस विद इन दैट सिस्टम ओनली. नेक्स्ट वन था हमारा कन्वर्जन विद अनदर सिस्टम. एंड थर्ड वन इज डोज कैलकुलेशंस. डोज कैलकुलेशन को करने के लिए हम रेशियोज और प्रोपोर्शंस पता होना चाहिए, फार्मूला मेथड फार्मूलाज हमें लर्न होना चाहिए, या फिर डायमेंशनल एनालिसिस. ओके सो लेट्स हैव अ लुक डोज कैलकुलेशन कैसे किया जाता है. मेथड्स यूज टू कैलकुलेट मेडिकेशन डोजेज इंक्लूड, फर्स्ट वन इज द रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड, सेकेंड वन द फार्मूला मेथड, एंड थर्ड वन इज डायमेंशनल एनालिसिस. फर्स्ट वन इज द रेशियो एंड प्रोपोर्शनल मेथड. अ रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर सेपरेटेड बाय अ कोलन. फॉर एग्जाम्पल द रेशियो 1:2 इज सेम एज 1:2. Write a proportion in one of three ways. A ratio और proportion का मतलब होता है, ratio का मतलब है कि जो दो digits हैं या दो numbers हैं उनके बीच का क्या relationship है, और उसको हम denote करते हैं by two dots that is called colon. Example देखते हैं कि इनको हम proportions को तीन तरह से लिख सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 1:2 इज इक्वल्स टू 4:8. सेकेंड हम और कैसे लिख सकते हैं, 1:2 को हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनेट टू 4:8. एंड थर्ड एग्जाम्पल इज 1:2 इज इक्वल्स टू 4:8. ठीक है, तो ये सेम थिंग है बट हम इसको लिखने का तरीके अलग अलग हैं. तीन तरीके से हम रेशियो और प्रोपोर्शंस को लिख सकते हैं. इन अ प्रोपोर्शन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर आर कॉल्ड द एक्सट्रीम्स एंड द सेकंड एंड द थर्ड नंबर आर कॉल्ड द मीन्स. व्हेन मल्टीप्लाइंग द एक्सट्रीम्स द आंसर इज सेम व्हेन मल्टीप्लाइंग द मीन्स. देखिए हम दोबारा वापस देखते हैं कि प्रोपोर्शन और रेशियो में क्या होता है कि जो डिजिट्स हैं, फर्स्ट जो फर्स्ट और लास्ट डिजिट्स हैं नंबर्स हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और जो बीच वाली मिडल वाली जो सेकंड और ये थर्ड नंबर पे जो डिजिट हैं इनको बोलते हैं मीन्स. इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को और सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट विल बी द सेम. जैसे कि आप फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें 1 है फर्स्ट और लास्ट है 8. 1:8 इज इक्वल्स टू 8. और अगर हम बीच वाली जो मीन्स है, जो कि कौन है मीन्स, कौन है सेकंड एंड थर्ड नंबर, 2:4 करेंगे तब भी रिजल्ट आएगा 8. तो द आंसर विल बी सेम. अगर हम फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करें और बीच वाली दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आता है. ठीक है, यही बोला है. एग्जाम्पल देखिए, एक द प्रिस्क्राइबर ऑर्डर्स 500 mg ऑफ अमोक्सिसिलिन टू बी एडमिनिस्टर्ड इन एवरी 8 hours. द बॉटल ऑफ अमोक्सिसिलिन इज लेबल्ड 400 mg पर 5 ml. ओके, अगर इस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस हैं और हमें इनको सॉल्व करना हो तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिनके थ्रू हम इनको सॉल्व कर सकते हैं. तो देखते हैं हम फॉर्मूला मेथड जिसके थ्रू हम इनको सॉल्व कर सकते हैं कि भाई हमारे पास अवेलेबल डोज ये है, डिज़ायर्ड डोज ये है, तो हमें कितनी मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी, किस रेशियो में. तो फर्स्ट है कैलकुलेटिंग डोज ऑफ सॉलिड मेडिकेशन, जो टैबलेट्स वगैरह होती हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट कन्वर्ट द ड्रग अमाउंट टू द सेम यूनिट एंड देन यूज़ द फॉर्मूला. अभी हमने कन्वर्जन मेथड्स देखे थे इससे पहले, है ना, हाउ टू कन्वर्ट विद इन वन सिस्टम और टू द अनदर सिस्टम. उनको उन्हीं के सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करने के बाद हमें ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने होते हैं. जैसे कि डोज रिक्वायर्ड कितनी है,
is equals to strength required upon stock strength. तो हमारे पास आ जाएगा number of tablet. Stock strength का मतलब होता है it is the amount written on drug cover. जो drug cover पे amount लिखा हुआ है उसको बोलते हैं stock strength. ये सारी हम units को place करेंगे तो हमारे पास number of tablets आएगा. ये formula है for calculating solid medications. Next, calculating dose of liquid medication. Liquid medication को अगर हमें calculate करना है तो हम कैसे करेंगे? First, convert the drug amount to the same units and then use the formula. Again, मैंने आपको बोला था किसी भी formula को apply करने से पहले आपको same system के formula, same units में convert करने होंगे. ओके, ड्रग अमाउंट को जैसे कि वॉल्यूम रिक्वायर्ड, वॉल्यूम कितनी चाहिए हमें अगर ये कैलकुलेट करना है तो हमें इसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होगा? स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इनटू वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन अपॉन स्टॉक स्ट्रेंथ. ये फॉर्मूला स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड का मतलब कि किस हमें प्रिस्क्राइब क्या की गई है ड्रग इनटू वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन मतलब किस वॉल्यूम में वो हमारे पास अवेलेबल है. अपॉन स्टॉक स्ट्रेंथ में मतलब ड्रग कवर पे क्या लिखा हुआ है, कितना ml लिखा हुआ है. उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे कैलकुलेट करें लिक्विड मेडिकेशंस को. नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, कैलकुलेटिंग ड्रिप रेट्स. देखो सबसे पहले हमने सीखा था हाउ वी कैन कैलकुलेट सॉलिड मेडिकेशन, फिर हमने देखा लिक्विड मेडिकेशन, एंड थर्ड वन इज़ कैलकुलेटिंग ड्रिप रेट्स. हमें आईवीज जब चलते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करें कि इतने ml का सॉल्यूशन इतने घंटे चलाना है तो हमें उसकी क्या रेट सेट करनी पड़ेगी, कितनी ड्रॉप्स पर ml होनी चाहिए. इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे. फर्स्ट कन्वर्ट वॉल्यूम टू मिलीलीटर्स एंड देन यूज दिस ml में कन्वर्ट करिए आप तो अपने जो भी सॉल्यूशंस हैं, जो IV फ्लूइड के यूनिट्स दे रखे हैं उसको आप कन्वर्ट करिए ml में. उसके बाद में आप फॉर्मूला लगाइए, ड्रॉप्स पर मिनट का फॉर्मूला है. टोटल वॉल्यूम टू बी गिवन, कितनी वॉल्यूम देनी है, इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन आवर्स इनटू 60 से इनटू किया क्योंकि हमें मिनट्स में चाहिए. ड्रॉप फैक्टर जो है स्टूडेंट्स ये हमारे हमेशा गिवन होता है, ये चीज़ दे रखी होती है. और इन केस आपके न्यूमेरिकल में ड्रॉप फैक्टर नहीं दिया हुआ है तो आप इसको, ये अंडरस्टूड होता है कि ड्रॉप फैक्टर मैक्रोसेट के लिए 15 ड्रॉप्स पर मिनट है एंड माइक्रोसेट के लिए 60 है. देखिए ये लिखा, ड्रॉप फैक्टर इज द ड्रॉप्स पर मिलीलीटर गिवन टू द पेशेंट. ड्रॉप फैक्टर फॉर मैक्रोसेट इज 15 एंड माइक्रोसेट इज 60. देखिए एक डायग्राम दिखाते हैं आपको, ये जो कॉर्नर में, जो फर्स्ट कॉर्नर में है आपके लेफ्ट हैंड साइड, ये IV सेट का डायग्राम है. IV सेट है और इसमें देखिए ड्रॉप फैक्टर्स होते हैं, ड्रॉप चैम्बर्स होते हैं, मैक्रोसेट एंड माइक्रोसेट. मैक्रोसेट तो अडल्ट में यूज़ करते हैं और जो माइक्रो डिप है वो यूज़ होती हैं पीडियाट्रिक के लिए. तो देखो मैक्रो ड्रिप में जो ड्रॉप है उसकी साइज़ देखिए आपको क्लियर हो जाएगा और माइक्रो डिप में कैसे ड्रॉप्स आती हैं. ठीक है, तो माइक्रो जो है पीडियाट्रिक यूज़ के लिए यूज़ में लेते हैं और माइक्रो अडल्ट के लिए. तो ये है IV सेट का डायग्राम और ये चैम्बर्स बने हुए हैं. तो ये ड्रॉप फैक्टर के लिए है. तो अगेन ड्रॉप फैक्टर का आप याद रखिएगा, अगर मैक्रो सेट दिया हुआ है तो आपको 15 से इनटू करना है, जो भी टोटल वॉल्यूम जो ड्रग की दे रहे हैं हम उसको इनटू 15 अपॉन कितने टाइम में देना है, इनटू 60 कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा. और अगर माइक्रो सेट दे रखा है तो आपको क्या करना है, टोटल वॉल्यूम इनटू माइक्रोसेट में 60 करेंगे अपॉन कितने घंटे दे रखे हैं, 6 आवर 8 आवर्स जो भी हैं इनटू 60 करिएगा तो आपके पास ड्रॉप्स पर मिनट में आंसर आ जाएगा. ओके, वही हमारी ड्रिप रेट होगी. नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग डोज अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट.
देखो पीडियाट्रिक में या ओल्ड एज में एडल्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा अगर हमें ड्रग कैलकुलेट करनी है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, टोटल डोज इज़ इक्वल्स टू प्रिस्क्राइब्ड डोज इनटू पेशेंट्स वेट। तो हमारे पास टोटल डोज आ जाएगी कि इस बॉडी वेट का जो पर्सन है उसको इस अमाउंट में ड्रग देनी है। नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग डोज अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग अगर हमें डोज कैलकुलेट करनी, तो कैसे करेंगे, टोटल डोज इज इक्वल्स टू प्रिस्क्राइब डोज इनटू पेशेंट्स बॉडी सरफेस एरिया। ओके, ये थोड़े कम ही यूज़ में लिए जाते हैं। आप अपनी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में सिस्टर नैन्सी वाली जो बुक है उसमें फार्मूलाज देखना, उसमें फार्मूलाज दे रखे हैं अडल्ट के लिए, पीडियाट्रिक के लिए, वेट के अकॉर्डिंग, है ना, फ्राइड के फॉर्मूले हैं, क्लार्क का फॉर्मूला है, वो भी देखना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ड्रग कैलकुलेशन में हेल्पफुल है। ओके, नेक्स्ट, ये हमने सब कुछ देख लिया मैट्रिक सिस्टम के बारे में, मेजरमेंट्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं मेडिकेशन एरर। किसी भी पेशेंट को ड्रग देते समय या प्रिस्क्रिप्शन के टाइम या फिर हम ड्रग की डोज कैलकुलेट कर रहे हैं उस वक्त जो एरर हो जाते हैं उनको बोलेंगे मेडिकेशन एरर्स। लेट्स सी, मेडिकेशन एरर्स आर अनइंटेंडेड मिस्टेक्स इन द प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ मेडिसिन दैट कुड कॉज हार्म टू अ पेशेंट। मेडिकेशन एरर की वजह से पेशेंट को हार्म हो सकता है। ये किस टाइप के एरर्स होते हैं, लेट्स सी। मेडिकेशन एरर्स कैन अकर एट ऑल स्टेजेस ऑफ द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। द फोर मेन टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर्स डेट अकर विथ हॉस्पिटलाइज क्लाइंट्स, हॉस्पिटलाइज क्लाइंट के साथ जो मेडिकेशन एरर हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रिस्क्रिप्शन एरर, एग्जाम्पल रॉन्ग ड्रग और डोज। अगर प्रिस्क्रिप्शन में ही गलत ड्रग का नाम लिखा हुआ है या गलत डोज लिखी हुई है तो ये होगा प्रिस्क्रिप्शन एरर। सेकेंड टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर इज ट्रांसक्रिप्शन इंटरप्रिटेशन एरर, एग्जाम्पल मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एब्रीविएशंस। ट्रांसक्रिप्शन और इंटरप्रिटेशन एरर मतलब हमें प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने में या उसको समझने में गलती हो जाए, एब्रीविएशंस लिखी हुई हैं और वो हम ढंग से ओडी लिखा हुआ है मतलब वंस अ डे, और हम उसको बीडी दे रहे हैं टू टाइम्स अ डे, ठीक है। तो अगर हमें एब्रीविएशंस जो हमने पहले डिस्कस कर ली है उनको पढ़ने में मिस्टेक हो जाए तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन या इंटरप्रिटेशन एरर, प्रिस्क्रिप्शन को समझने में जो गलती हो। थर्ड वन इज़ प्रिस्क्रिप्शन प्रिपरेशन एरर्स, प्रिपरेशन एरर्स एग्जाम्पल कैलकुलेशन एरर। अब कैलकुलेशन में जैसे हमें उसको उस यूनिट में कन्वर्ट करना है, आपने ग्राम्स को एमएल में कन्वर्ट ही नहीं किया और फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो आंसर विल बी डेफिनेटली रॉन्ग। तो कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो जाए तो हम रॉन्ग जो डोज है वो पेशेंट को दे देंगे और उस टाइप की एरर को बोलेंगे प्रिपरेशन एरर्स। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरर इज़ एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स, एग्जाम्पल रॉन्ग डोज, रॉन्ग टाइम, ओमिशन और एडिशनल डोज। एडमिनिस्ट्रेशन एरर मीन्स कि पेशेंट को ड्रग देते वक्त मिस्टेक हो जाए, कैसे, आप रॉन्ग डोज दे रहे हैं, रॉन्ग टाइम पे दे रहे हैं, ओमिशन, या तो आपने स्किप कर दिया है डोज, ड्रग को दिया ही नहीं है, और या फिर एडिशनल डोज डबल बार दे दिया है। तो ये सारे, और सबसे इम्पॉर्टेंट देखो, मोस्ट मेडिकेशन एरर्स अकर ड्यूरिंग दी एडमिनिस्ट्रेशन स्टेज, इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। तो ये हमने देखा मेडिकेशन एरर्स। एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने इस पीपीटी में क्या सीखा है। तो फर्स्ट हमने देखा था कि सिस्टम्स कौन कौन से हैं ड्रग मेजरमेंट में, इसमें हमने फोर सिस्टम्स देखे हैं, मैट्रिक, हाउस होल्ड,
एपोथेकरी एंड सॉल्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट है. मेट्रिक सिस्टम इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसके अंदर ml ग्राम ये सब आते हैं, है ना, mg वगैरह. हाउस होल्ड सिस्टम ये बहुत कम यूज़ लेते हैं, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं मानते हैं. इसमें आते हैं टी स्पून, टेबल स्पून, कप्स वगैरह में जो हम मेजरमेंट्स लेते हैं. इसमें हमने एक टेबल देखी है कि 1 ml किसके इक्वल है ये सब. नेक्स्ट एपोथेकरी सिस्टम, ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है. इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो होती हैं ग्रैंड्स, मिनिम्स, पाउंड्स, आउंस, पेंट, क्वार्ट, गैलन. ओके, ये हमने टेबुलर फॉर्म में इसको डिस्कस कर लिया है कि मेट्रिक सिस्टम और एपोथेकरी में क्या क्या इक्वल हैं. 1 mg को 1 by, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट वन इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर. अगर किसी 10% सॉल्यूशन है, इसका मतलब उसमें 10 ग्राम तो सॉलिड पार्टिकल हैं जो कि डिसॉल्व हैं 100 ml सॉल्यूशन में. कन्वर्टिंग मेजरमेंट यूनिट्स में हमने देखी 3 टाइप्स की यूनिट्स होती हैं. कन्वर्जन कर सकते हैं हम 3 टाइप्स से. फर्स्ट था विद इन वन सिस्टम, बिटवीन सिस्टम एंड डोजेस कैलकुलेशन. विद इन वन सिस्टम में हमें यूनिट्स लर्न होनी चाहिए कि mg को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है. कन्वर्जन बिटवीन सिस्टम में हमें उन दोनों सिस्टम की यूनिट्स लर्न होनी चाहिए. जैसे 1 ml को कन्वर्ट करना है एपोथेकरी में तो हम 15 minims कर सकते हैं, और हाउस होल्ड में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 15 drops लिख सकते हैं. डोजेस कैलकुलेशन में हमने देखा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फार्मूला मेथड, डायमेंशनल एनालिसिस. रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में हमने देखा कि हम एक रेशियो और प्रोपोर्शन का जो है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 वे से लिख सकते हैं, बीच में कोलन आता है. ओके, जो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और जो मिडिल की दोनों हैं उनको बोलते हैं मीन्स. एक्सट्रीम्स को इंटू करेंगे और मीन्स को इंटू करेंगे तो आंसर सिमिलर आएगा. नेक्स्ट वन इज़ फार्मूला मेथड. फार्मूला में हमने वेरियस फार्मूलाज देखे हैं. सॉलिड मेडिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए डोज रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड अपॉन स्टॉक स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टैबलेट्स. ये कि हमें अगर लिक्विड मेडिकेशंस को कैलकुलेट करना है तो फार्मूला विल बी वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इनटू वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन अपॉन स्टॉक स्ट्रेंथ. थर्ड वन इज़ कैलकुलेटिंग ड्रिप रेट्स. ड्रिप रेट को कैलकुलेट करने के लिए ड्रॉप्स पर मिनट इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम टू बी गिवन इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन आवर इनटू 60. ड्रॉप फैक्टर मैक्रो सेट के लिए होता है 15, माइक्रो सेट के लिए होता है 60. ये डायग्राम के थ्रू हमने समझाया है मैक्रो सेट और माइक्रो सेट में, और ये आई वी सेट का एक डायग्राम. नेक्स्ट कैलकुलेटिंग अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, तो हमें क्या करना है, प्रिस्क्राइब डोज इनटू पेशेंट्स वेट. और अगर हमें कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू बॉडी सर्फेस एरिया, देन प्रिस्क्राइब डोज इनटू पेशेंट्स बॉडी सर्फेस एरिया. मेडिकेशन एरर्स हमने देख लिए 4 टाइप्स के हो सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन एरर्स, ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन एरर, प्रिपरेशन एरर, एडमिनिस्ट्रेशन एरर. मोस्ट मेडिकेशन एरर्स अकर ड्यूरिंग इज एडमिनिस्ट्रेशन स्टेज. एडमिनिस्ट्रेशन स्टेज में जो एरर होते हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप हमने जितने भी PPTs में पढ़े हैं वो आपको समझ में आया होगा. ओके, थैंक यू.